दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हमारे देश में व दुनिया के अन्य दूसरे देशों में डर का माहौल फैला हुआ है। जी हाँ, इस डर की वजह को युद्ध या वर्ल्ड वार नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना से आई एक खतरनाक जानलेवा बीमारी कोरोना है। आप सभी अभी तक भली भांति यह जान ही गए होंगे कि यह जानलेवा बीमारी जीव जंतुओं से होकर मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और इसका सबसे अधिक असर चाइना पर ही पड़ा है। वहां हजारों व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं व बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कोरोना से भी अधिक खतरनाक बीमारियां जो कि चाइना से ही आई हैं, हमारे देश में पहले से ही अपने पांव पसार चुकी हैं, जिससे हमारे देश के लोग जूझ रहे हैं। चाहकर भी हमारी सरकार इन बीमारियों की रोकथाम नहीं कर पाई है और बहुत से लोग इन बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर सबसे प्रमुख बीमारी का नाम है चाइना डोर। आपने समाचार में पढ़ा ही होगा कि इस चाइना डोर का कितने बच्चे और बेजुबान पक्षी शिकार हो चुके हैं। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि यह गले से ही इंसान को काट देती है और कुछ राह चलते व्यक्ति इसका शिकार हो चुके हैं। हमारी सरकार लाख कोशिशों से भी इस खतरनाक चाइना डोर से निजात नहीं पा सकी है। हमारे दुकानदार भाई इतने लालची हो गए हैं कि उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। धड़ल्ले से अब भी चाइना डोर की बिक्री हो रही है। दोस्तों, चाइना डोर के अतिरिक्त होली के दौरान जो रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी ज्यादातर चाइना की ही देन है। इन रंगों में घटिया व खतरनाक केमिकल मिले होते हैं। हमारे बच्चे व अन्य लोग इन रंगों से होने वाली तकलीफों से बच नहीं पाए हैं। यह रंग इतने खतरनाक हैं कि आंखों में गिर जाए तो भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारी त्वचा पर भी इसका खतरनाक असर होता है। डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी यह चाइना गुलाल व अन्य रंग बाजारों में बहुत आसानी से मिलते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भारतीय प्राकृतिक गुलाल व अन्य रंगों से यह चाइना रंग कीमत में सस्ते होते हैं, इसलिए अधिक मुनाफा लेने के लिए दुकानदार चाइना रंगों को भी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ध्यान रहे, हमें इन चाइना रंगों से खुद को व अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है। अगला नंबर आतिशबाजी यानी कि पटाखों का है। यह भी बहुतायत में चाइना से आते हैं और यह भारतीय पटाखों के मुकाबले कितने खतरनाक हैं, जिस बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। हमें इनसे भी बचकर रहना होगा। दोस्तों, अब आप यह समझ ही गए होंगे कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस हमारे देश में पहले से ही मौजूद हैं, जिनसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। हाँ, जब तक हम सभी चाइना डोर, चाइना रंग और चाइना पटाखों की समय खरीदारी बंद नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।